हाय, क्या नाम है आपका? हाय, दिस इज आकाश। आकाश, आपका स्वागत है सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी, सक्सेस गेट थिएटर ग्रुप एंड सक्सेस गेट कास्टिंग एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस गेट में। आकाश, जैसा आपके सामने ये रियल टाइम ऑडिशन हो रहा है, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा ही आपको सेटअप मिलने वाला है जब आप ऑडिशन देने जाएंगे। आपके सामने DSLR कैमरा होगा, आपके सामने लाइट्स होंगे, आपके सामने हो सकता है कि स्पॉट बॉय खड़ा रहे, आपको क्रोमा में रखा जाएगा, यानी कि क्रोमा एक तरह का स्क्रीन होता है, जैसे आपके बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ग्रीन कर्टन आपके सामने लगा हुआ है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आपको अपने स्पॉट से हिलना नहीं है, क्योंकि स्पॉट में आपका फ्रेम कर दिया गया कैमरा को, कैमरा सेटअप हो चुका है। उस फ्रेम से अगर आप हटोगे तो आपका फेस, आपका हैंड वहां पे कैप्चर नहीं हो पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको कैमरे के लेंस में देखना है। जब भी ऑडिशन होता है ना आकाश, सामने वाले को लगना चाहिए कि वो बंदा मुझसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है। इसके लिए आपको लेंस में देखना है। नंबर 3, आपका अपना बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, वॉइस पे ध्यान देना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आकाश, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लाइन्स भूलना नहीं है, ना ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है, एग्जैक्ट लाइन बोलना है। क्योंकि होता है क्या, जब बड़े बजट की आप मूवी करते हो, वहाँ पे एक एक स्क्रिप्टेड डायलॉग्स होते हैं, कई सारी क्रिएटिव टीम उस पर काम कर रही होती है, क्योंकि इंटरनेशनली उसको रिलीज मिलता है और आप जो बोलते हो उसकी पूरी दुनिया उसको वॉच करती है, राइट? सो ये डायलॉग आपको भूलना नहीं है, डायलॉग्स जो आपको दिया गया है वैसे ही आपको बोलना है। अरे रेडी, जब मैं एक्शन बोलूंगा आपको एक्ट करना है कैमरे के सामने, ऑलराइट? एंड जब तक मैं कट नहीं बोलूंगा आपको अपने फ्रेम में ही रहना है, ऑलराइट? आर यू रेडी आकाश? यस सर। ऑलराइट, एक्शन। पता है, दोस्ती भी करके देख ली और दुश्मनी भी, लेकिन काम आए सिर्फ और सिर्फ मां बाप, इसलिए मेरी बात मान, अपने करियर पर फोकस। वेरी गुड, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड आकाश। जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा आपने किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आकाश, आप अपने डिक्शन पे काम करें, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हैं। कहाँ रहने वाले हैं आप? कोलकाता, वेस्ट बंगाल से हैं। होता है क्या है कि जो आपका मदर टंग होता है उसको आप 18 साल 20 साल तक बोलते हो, आप वहाँ पे रहते हो 18-20 साल, और उसके बाद आप माइग्रेट होते हो, किसी और शहर में जाते हो। वेलकम टू मुंबई। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 6 मंथ के अंदर आपकी जो वॉइस है न्यूट्रल हो जाएगी और कोई आपको पहचान नहीं पाएगा कि आप बंगाल के हैं, बिहार के हैं, MP के हैं, कहाँ के हैं। क्योंकि जब तक आपकी वॉइस न्यूट्रल नहीं होती, आपका डिक्शन क्लियर नहीं होता। और डिक्शन क्लास आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है, उस पर आप काम करें। और दोस्तों, जो व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं उनके लिए एक ही टिप है, अगर आप बेहतरीन ट्रेनिंग चाहते हो, अगर आप मिनिमम कॉस्ट एजुकेशन चाहते हो, सक्सेस गेट में आपका स्वागत है। आज इसी वक्त हमारे काउंसलर को फोन करें, उनसे इंक्वायरी करें कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू आकाश, थैंक यू, गुड लक।